हेलो गाइस, अनदर इंजीनियर चैनल पर स्वागत है। और आज है 15 अगस्त, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। और मैं आज आया हूँ एक दोस्त के घर, और मेरा दोस्त है ये शरद। हाय गाइस, तो मैंने इसको फोन किया, मैंने बोला कि यार चलते हैं, पतंग वतंग उड़ाते हैं। तो लिटरली ना अभी कोई मतलब बहुत 3-4 पतंग उड़ रही है सिर्फ, लेकिन ये भी सिर्फ मेरे लिए अभी 2:30 हो रहे होंगे, और ये धूप में मेरे लिए सिर्फ आया कि यार चलते हैं, दोस्त आ रहा है तो पतंग उड़ाते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि करने कैसे मानते हैं पतंग थोड़ा उड़ाते हैं। और देख सकते हैं यार पतंग ऐसे गिर रही है क्योंकि हवा चले जा रही है। तो आज मैं बताऊंगा कि आपको करने कैसे मानते हैं, उड़ाते कैसे हैं। और अभी थोड़ी पतंग उड़ रही है, तो लेट्स सी कि हम उनकी पतंग को काटते हैं नहीं काटते। तो वीडियो एंजॉय करना और पूरा देखना। तो गाइस हम देख सकते हैं हमारे पास है ये तिरंगा और ये सब पतंगे, और ये हुचका, ये देख सकते हैं सद्दी वगैरह, और थोड़ा खाने वाले के लिए हम लोग ब्लू वाले चिप्स, माजा और थोड़ा पानी भी है। तो आज शरद बताएगा हम लोग को कि कैसे हम लोग करने बांधते हैं। तो पहले तो पतंग को थोड़ा ऐसे रख लीजिए बेस पे ताकि वो फटे ना ढंग से, और पतंग को उल्टी कर ले। हाँ वही, हाँ दो छेद। अब देख सकते हैं कि हम लोग ऑल्टरनेट पे दो छेद करेंगे, और फिर अगर पतंग के हिसाब से साइज नापते हैं, पतंग के हिसाब से पतंग है तो पूरी एक पाम लेके और इसके नीचे इधर दो छेद। तो अगर कोई छोटी पतंग है तो आप देख सकते हैं यहाँ तक, या इतना यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है। और जैसे कि ये थोड़ी बड़ी पतंग है तो हमने इसका थोड़ा आधे से ज्यादा काटा है। तो इसमें क्या होता है कि अगर कन्ने आपने गलत बांधे हैं तो पतंग उड़ती नहीं है, या फिर अगर ऊपर जाएगी तो सितर नहीं होगी या ढंग से काटेगी नहीं। तो ध्यान रखना, कन्ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पतंग में। और देख सकते हैं कि हम लोग कन्ने बांध रहे हैं सद्दी से। तो सर देखो, हम मांझे से क्यों नहीं बांधते सद्दी? मांझे से बांधने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पतंग स्टेबल होती है सद्दी से, और सदा जो है कागज को खराब नहीं करता कभी भी। तो ये बड़ी बात है, मैंने भी कभी कभार ऐसा है कि कन्ने मैंने मांझे से बांधे हैं, लेकिन मतलब बेकार रिस्पॉन्स होता है। लेकिन काफी बंदे ऐसे होते हैं जब पतंग कट के आती है छत पे, तो काफी पतंगें ऐसी होती है जो मांझे से बांधी होती है। लेकिन भाई मैं या शरद हो गए तो हम लोग सद्दी से बांधते हैं, सद्दी बहुत सही होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये 1 मीटर है, 1 मीटर थोड़ा ऊपर। हाँ ये 1 मीटर हम लोग, हाँ 1 मीटर के हिसाब से। और ये कितनी बड़ी हो जाए सदी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको गाठी बांधनी होती है एंड में जाके। तो हम लोग ऐसे घुसा सकते हैं जो प्लेन साइड से, वहां से घुसाएंगे वहीं से निकालेंगे वापस। और आप देख सकते हैं जो पीछे के तिल्ले हैं वो बैकग्राउंड में रहेगा, और हम लोग यहाँ पे आके गाठी बांधेंगे क्योंकि हम लोग को यहाँ से उड़ानी है। तो इस पे आप 2 या 3 गाठी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देख सकते हैं अब एक तरफ का हमारा हो गया है ऑलरेडी, अब हम दूसरी तरफ से बांध रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से घुसाएंगे, और जो तिल्ली वाली साइड है उससे हम लोग वापस बाहर निकालेंगे, और हम अब यहाँ पे भी गाठी मारेंगे। आप देख सकते हैं गाठी बांधने के बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है, क्योंकि अगर आपने ये ढंग से नहीं बांधा, अगर आपका ऐसा हुआ कि थोड़ा आगे से ज्यादा गाठ बन गई, पीछे का थोड़ा जो थ्रेड है वो लंबा सा हो गया, तो पतंग नहीं उड़ेगी बिल्कुल भी। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप देख के बांधो। तो शरद बता क्या कर रहा है ये, यहाँ से बीच में से पकड़ के, बिल्कुल बीच में से दोनों को इक्वली पकड़ के, पहले लेफ्ट वाला ढीला छोड़ के और यहाँ तक ले जाएंगे लेफ्ट वाले धागे को, फिर राइट वाला ढीला छोड़ के, 4 फिंगर्स का ढीला छोड़ के यहाँ तक ले जाएंगे, जिससे दोनों चीजें जो बिल्कुल इक्वल हो जाए, एक काइंड ऑफ ट्राइंगल बन जाए, इक्विलेटरल। तो अगर ऐसा होता है कि अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बना तो पतंग उड़ाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। हाँ, तो ये शरद ने बहुत अच्छा तरीका बताया है कि आपको एकदम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, और आप यहाँ से आप गाठी बांध सकते हैं, और आप थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे, ये बिल्कुल देखो बिल्कुल यहाँ, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से और गाठ तक का, और ये वाला डिस्टेंस बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो ये हम देख चुके हैं कि हमारा ऑलरेडी हो चुका है, और आप देख सकते हैं ऐसे लग रहा है कि पतंग अच्छी होने वाली है, यहीं से लग रहा है कि सितर होने वाली है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने गाठी बांधी है उससे हम लोग करेंगे अपना मांझा अटैच, वहां से सद्दी बांधेंगे, मांझा बांधेंगे अपना, और फिर उड़ाते हैं। गाइस जैसे कि मेरे हाथ में आ गया हुचका, एंड अब ये जो नॉट है उससे ये अपना मांझा कनेक्ट करेगा। गाइस आप देख सकते हैं अब हमारा जो हुचका है वो कनेक्ट हो गया है पतंग से, और अब सिर्फ हम लोग को उड़ानी बाकी है। तो गाइस देख सकते हैं एक बार हवा का झोंका आया तो उड़ गई, बस ध्यान रखना कि जो ढील आ रही है हुचके से वो थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि अगर अटक जाएगी तो फिर पतंग उड़ेगी नहीं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी पतंग वोरी छोटी सी जो देख रहे हो तिरंगा वाली,
और मजा आ गया उड़ाने में। लेकिन यार बस यही बात है कि धूप बहुत ज्यादा तेज है और अभी आसमान में ज्यादा पतंगे है नहीं, तो पता नहीं अभी पेचे किसे लड़ाएंगे, काटेंगे किसकी। लेकिन अभी 5-10 मिनट में अगर कोई पतंगे आ जाती है तो उसको काटते हैं। बाकी यही प्रोसेस रहता है यार करने बांधने में कि इम्पोर्टेंट होता है करने, आराम से बांधो, ढंग से बांधो और फिर आप देख सकते हैं ऐसे उड़ जाएगी आपकी। और आप एक चीज़ और, अगर आप जैसे अकेला उड़ा रहे हो तो यहाँ से ऐसे हुचका रख दो ताकि आपकी ढील आती रहे और आपका जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन है वो पतंग पे हो। तो गाइस जैसे देख सकते हैं हमारी जो नीचे वाली पतंग है, जो तिरंगे वाली पतंग है वो, और ऊपर पर्पल वाली में अब होगी भैंस, अब दोनों में होगी लड़ाई। अरे वो दूर लेके जा रहा है, बट यार ये बादल अभी अच्छा हो गया ना, एकदम धूप चली गई, मजा आ रहा है उड़ाने में। तो गाइस जो हमारी लास्ट वाली पतंग थी वो हो गई टूट, टूट गई। कैसे टूट गई भाई? स्ट्रेस ज्यादा आ गया, पतंग झेल नहीं पाई वो, मतलब अच्छा तो मांझा ही नहीं झेल पाया। और ये लाया है एक उसकी पतंग, तो पतंग दिखा दिया, पतंग बड़ी अच्छी लग रही है, कलरफुल सी। तो अब इसको उड़ाएंगे और कन्ने बांधने का भी सेम स्टेप है जो पहले अभी आपने देखा होगा। तो हम अभी इसको कन्ने बांधेंगे, उड़ाएंगे और फिर आपके पास वापस आते हैं। ये भी तो जैसे देख सकते हैं ये वाली जो पतंग है ऊपर देख सकते हैं, ऊपर सूरज आ रहा है उसके राइट साइड में है, दिख रही है एक पतंग। और देखिए ये देख सकते हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने ऐसे को खड़ा हुआ है, जरूरत नहीं है। और देखो पतंग आराम से उड़ रही है तो ऐसा। और गाइस एक चीज और कि जैसे मांझा वगैरह क्या होता है कि कभी कभार ना हाथ ऐसे कट जाता है, तो ध्यान रखना कि जब भी पतंग उड़ा रहे हो ना तो अपने इंडेक्स फिंगर में और अपने मिडिल फिंगर में आप डॉक्टर टेप बांध ले, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन होती है और सही रहता है। तो अगर कभी कभार ज्यादा जैसे कांच वाला मांझा होता है उससे कभी हाथ कटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो नहीं हो पाएंगे। बाकी तो सही है यार, अभी 2-3 पतंगे आ रही हैं, देखते हैं काटते हैं उनका सीन क्या हो रहा है। बाकी तो पतंग तो बहुत सही है। दिख रही है बिल्कुल, सूरज सामने आ रही है, सही है सही है। तो गाइस देख सकते हैं मैं पी रहा हूँ माजा, और ट्राई करो कि जब ऐसे आप धूप में जा रहे हो तो पानी वगैरह पियो, हाइड्रेटेड रहो। और आप देख सकते हैं ये अभी भी शरद ऐसे लेके बस ऐसी खड़ा हुआ है लेके हुचका, और पतंग हमारी उड़े जा रही है। तो ये बहुत ही सितर पतंग है यार, बताइए बता पतंग के बारे में क्या कह रहा है? पतंग अच्छी है, कन्ने अच्छे बंदे हैं उसमें, कन्ने। हाँ ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि कन्ने अच्छे बंदे, क्योंकि अगर कन्ने अच्छे नहीं बनेंगे तेज है अभी तो ये तेज हवा के पतंग है, इसे देख के लाया था मैं तो ऐसा होता है तेज हवा की पतंग होती है उसकी जो बीच वाली डंडी और ऊपर वाली डंडी होती है दोनों का साइज बिल्कुल सेम होता है, मतलब दोनों की विड्थ बिल्कुल सेम होती है, दोनों सेम तरीके से मोटी होंगी। तो आप देख सकते हैं ऑस्कर का बड़ा खिलाड़ी है ये, इतनी सारी चीजें बता दी इसने, मुझे पता ही नहीं, बाकी तो सही है। चीयर्स। तो गाइस जैसे देख सकते हैं ये है थ्रेड, और मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है इसको, और आप देख सकते हैं कितना सही आ रहा है, फोकस भी नहीं कर पा रहा फोन। और ये होता है असली एंगल, लेकिन यार धूप बहुत है, वो देखो चली गई। तो गाइस आप देख सकते हैं सितर पतंग का ऐसा ही होता है कि कभी कभार नीचे चली जाती है, कभी कभार अपने आप ऊपर आ जाती है। और ये देखो क्या लेके आया भाई, ये भाई लूटी है पतंग। ओए होए होए, ये भाई रिचुअल है भाई यार, ये बता लूटने वाली जो पतंग होती है ना उनका अलग ही मजा होता है, क्यों उनका भाई भाई है ना। और लूट के बाद जो उड़ती है, एक तो जो पतंग एक बार उड़ चुकी है ना उड़ाने का अलग मजा होता है, और लूटी हुई होती है पहले से करने बंदे में मिल रहा है। सबसे बेस्ट यही मुझे यही लगता था कि
कन्ने बंदे होते हैं और आराम से बस अपना मांझा जोड़ के आराम से उठाओ, मजा आ जाएगा। बाकी अब देख सकते हैं यार कितना सही लग रहा है, ये देखो कोई भारी वाला बादल आ चुका है और अब देख सकते हैं एंगल अब गया है, शेट यार। तो वापस धूप आ गई और हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। बैठ गए। ओहो एकदम से हो गया है। चलो ये गाइस देख सकते हैं हम लोग ऐसे जब पतंग कट जाती है तो इतना जल्दी जल्दी करना पड़ता है क्योंकि वहां पे लुटेरे भी होते हैं ना जो मांझे लूट लेते हैं। जल्दी जल्दी करना पड़ता है और इनफैक्ट हमने पूरा मांझा लगा दिया ताकि हम सर्दी से पतंग उड़ा सके, लेकिन इनफैक्ट गई कोई नहीं। बाकी देखते हैं और आप देख सकते हैं यार कितनी 33 ये कर रहा है। और ऐसा सीन होता है कि जब हाथ दर्द हो जाते हैं ना तो मांझा फिर काट के फेंक देते हैं, क्यों है ना, और वो खराब ही होता है। हाँ तो क्या होता है कि मुंडेरी से ना ऐसे टच होके तो ऐसे किसी भी ज्यादा फिर बेकार हो जाता है, क्योंकि पतंग दूसरी पतंग का डोर लगती है ना फिर अपनी पतंग कट जाती है तो बेकार है। तो अगर ऐसे कभी लंबा वाली डोरी से पतंग कट जाए तो वहीं से काट दो जहाँ से आपका थोड़ा 1 मीटर 2 मीटर से उछके जाओ। बाकी तो आ गया, बाकी प्लास्टिक वाली उड़ाएगा तो अभी हम उड़ाएंगे प्लास्टिक वाली पतंग और जिसने हमारी पतंग काटी है उसकी हम वापस काटेंगे। तो हम लोग हैं खून का बदला खून, वापस बोल खून का बदला। चलो तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं राइट वाली अपनी है नीचे वाली और हम लोग ट्राई कर रहे हैं ऊपर वाली काटने का। बाकी ये ट्राई कर रहा है शरद, नाइस। बाकी देख सकते हैं यहाँ पे भी इन्होंने थोड़ी थोड़ी पतंग उड़ानी चालू कर दी। लग गए यार पतंग बेकार थी तो कैसा लग रहा है, वो पतंग बहुत बेकार थी यार। तो यार कभी कभार ऐसा होता है कि पतंग भी साथ नहीं देती है और लग भी कभी कभार होता है। चलो कोई नहीं, तो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम लोग लेते हैं आपसे अलविदा और इसके साथ मैं और भी नई नई वीडियोज बनाऊंगा आने वाले टाइम में, तो आपसे लेते हैं अलविदा और टिल देन जय हिंद।